हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जल परी के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एंड में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देश ऐसे हैं जो काल्पनिक कथाओं पर यकीन करते हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना वैज्ञानिकों के सामने आती ही रहती है। इसमें कई सारे ऐसे विचित्र जीव होते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हमारे समुद्र में भी छिपे हुए हैं जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। ऐसा ही एक रहस्य है जलपरियों का। जलपरियों की बात आते ही हमारे मन में सवाल आता है कि क्या सच में जलपरियां होती हैं या यह महज एक काल्पनिक कथा है। यदि यह सच में होती है तो फिर किसी को क्यों दिखाई नहीं देती है। चलिए जानते हैं जलपरियों का रहस्य और उससे जुड़ी रहस्यमय घटनाएं। जलपरी, जिसको अंग्रेजी में मरमेड भी कहा जाता है, यह पानी में रहने वाली एक परी होती है जिसका सिर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछलियों के जैसा ही होता है। जलपरियों की कथाएं दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के करीब समुद्री यात्रा के दौरान 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि उनकी आंखों के सामने मानव मछली की तरह जीव दिखाई दिया था। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे इंसान थे जो महान समुद्री नाविक थे। उन्होंने अंटार्कटिक समुद्र सहित बहुत सारी समुद्री यात्राएं भी की थी जिसके कारण उनकी बातों को झुठलाया नहीं जा सकता था। जलपरियों की काल्पनिक कथाएं दुनिया भर की लोक कथाओं में पाई जाती हैं जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीप शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जलपरियाँ सच में होती हैं। जुलाई 1842 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नेचर ऑफ हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन ने यह दावा किया था कि उनके पास एक असली जलपरी है जिसको उन्होंने दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। इस मरमेड के कंकाल को एक म्यूजियम में भी रखा गया था जिसको फिजी मरमेड नाम दिया गया था। इस कंकाल की तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि यह एक मरमेड है, लेकिन सन 1865 में इस म्यूजियम में आग लगने की वजह से यहाँ की सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। लेकिन इस मरमेड की तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है जो इस बात का सबूत है कि जलपरियों जैसी चीज़ें भी सच में होती हैं। इस तरह सन 2012 में एनिमल प्लैनेट द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड ने एक बार फिर से दुनिया के लोगों को जलपरियों के होने का एहसास दिलाया। इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार जब कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में पता लगा रहे थे तब उनको एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा मछलियों की तरह दिखता था। इसकी फुटेज को वीडियो में भी दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसको एक काल्पनिक वीडियो घोषित किया गया था। इसके बाद सन 2016 में भारत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह और बाकी का हिस्सा मछलियों की तरह दिखता था। यह बच्चा दिखने में हूबहू जलपरियों जैसा ही दिखता था, हालांकि यह बच्चा सिर्फ 10 मिनट ही जिंदा रहा था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि यह एक तरह की बीमारी थी जिसका नाम सिरेनोमेलिया है, जिसको मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जलपरियों के मिलने के सभी सबूतों को गलत माना है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा देखी गई मरमेड्स की घटना को भी साइंटिस्ट झूठ मानते हैं। सच तो यह है कि हमारी धरती पर 70% पानी है, इसमें से 80% से भी ज़्यादा समुद्र में अभी तक खोज नहीं हो पाई, जिसके कारण समुद्री जीवों की दुनिया आज भी अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए हैं जिसका कोई भी ठोस सबूत हमको आज तक नहीं मिला है। तो जब तक वैज्ञानिकों को जलपरियों का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है तब तक इस बात को एक काल्पनिक कथा ही माना जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जलपरियों के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।